35वां बाब लावियों के लिए शहरों का मुकरर किया जाना। फिर खुदावंद ने मुआब के मैदानों में जो यरहो के मुकाबिल यर्दन के किनारे वाके हैं मूसा से कहा कि बनी इसराइल को हुक्म कर कि अपनी मीरास में से जो उनके तसरुफ में आए लावियों को रहने के लिए शहर दें और उन शहरों की नवाही भी तुम लावियों को दे देना, ये शहर उनके रहने के लिए हो, उनकी नवाही उनके चौपायों और माल और सब जानवरों के लिए हो, और शहरों की नवाही जो तुम लावियों को दो वो हर शहर की दीवार से शुरू करके बाहर चारों तरफ हजार हजार हाथ के फेर में हो, और तुम शहर के बाहर मशरिक की तरफ 2000 हाथ और जनूब की तरफ 2000 हाथ और मगरिब की तरफ 2000 हाथ और शिमाल की तरफ 2000 हाथ इस तरह पैमाइश करना कि शहर उनके बीच में आ जाए, उनके शहरों की इतनी ही नवाही हो, और लावियों के उन शहरों में से जो तुम उनको दो 6 पनाह के शहर ठहरा देना जिनमें खूनी भाग जाए, इन शहरों के अलावा 42 शहर और उनको देना, यानी सब मिलाकर 48 शहर लावियों को देना, और इन शहरों के साथ इनकी नवाही भी हो, और वो शहर बनी इसराइल की मीरास में से यूं दिए जाएं जिनके कब्जे में बहुत से शहर हों उनसे बहुत और जिनके पास थोड़े हों उनसे थोड़े शहर लेना, हर कबीला अपनी मीरास के मुताबिक जिसका वो वारिस हो लावियों के लिए शहर दे। पनाह के शहर। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह दे कि जब तुम यर्दन को अबूर करके मुल्क केनान में पहुंच जाओ तो तुम कई ऐसे शहर मुकरर करना जो तुम्हारे लिए पनाह के शहर हों, ताकि वो खूनी जिससे सहवन खून हो जाए वहां भाग जा सके। इन शहरों में तुमको इंतकाम लेने वाले से पनाह मिलेगी, ताकि खूनी जब तक वो फैसले के लिए जमात के आगे हाजिर ना हो तब तक मारा ना जाए। और पनाह के जो शहर तुम दोगे वो 6 हों, 3 शहर तो यर्दन के पार और 3 मुल्क कनान में देना। ये पनाह के शहर होंगे। इन 6ों शहरों में बनी इसराइल को और उन मुसाफिरों और परदेसियों को जो तुम में बूदोबाश करते हैं पनाह मिलेगी, ताकि जिस किसी से सहवन खून हो जाए वो वहां भाग जा सके। और अगर कोई किसी को लोहे के हथियार से ऐसा मारे कि वो मर जाए तो वो खूनी ठहरेगा और वो खूनी जरूर मारा जाए। या अगर कोई ऐसा पत्थर हाथ में लेकर जिससे आदमी मर सकता हो किसी को मारे और वो मर जाए तो वो खूनी ठहरेगा और वो खूनी जरूर मारा जाए। या अगर कोई चोबी आला हाथ में लेकर जिससे आदमी मर सकता हो किसी को मारे और वो मर जाए तो वो खूनी ठहरेगा और वो खूनी जरूर मारा जाए। खून का इंतकाम लेने वाला खूनी को आप ही कत्ल करे, जब वो उसे मिले तब ही उसे मार डाले। और अगर कोई किसी को अदावत से धकेल दे या घात लगाकर कुछ उस पर फेंक दे और वो मर जाए, या दुश्मनी से उसे अपने हाथ से ऐसा मारे कि वो मर जाए, तो वो जिसने मारा हो जरूर कत्ल किया जाए, क्योंकि वो खूनी है। खून का इंतकाम लेने वाला इस खूनी को जब वो उसे मिले मार डाले। पर अगर कोई किसी को बगैर अदावत के नागहां धकेल दे या बगैर घात लगाए उस पर कोई चीज डाल दे या उसे बगैर देखे कोई ऐसा पत्थर उस पर फेंके जिससे आदमी मर सकता हो और वो मर जाए, पर ये ना तो उसका दुश्मन और ना उसके नुकसान का खाहा था, तो जमात ऐसे कातिल और खून के इंतकाम लेने वाले के दरमियान इन्हीं अहकाम के मुआफिक फैसला करे। और जमात उस कातिल को खून के इंतकाम लेने वाले के हाथ से छुड़ाए, और जमात ही उसे पनाह के उस शहर में जहां वो भाग गया था
واپس پہنچوا دے، اور جب تک سردار کاہن جو مقدس تیل سے ممسوح ہوا تھا مر نہ جائے تب تک وہ وہیں رہے۔ لیکن اگر وہ خونی اپنے پناہ کے شہر کی سرحد سے جہاں وہ بھاگ کر گیا ہو کسی وقت باہر نکلے اور خون کے انتقام لینے والے کو وہ پناہ کے شہر کی سرحد کے باہر مل جائے اور انتقام لینے والا قاتل کو قتل کر ڈالے، تو وہ خون کرنے کا مجرم نہ ہوگا، کیونکہ خونی کو لازم تھا کہ سردار کاہن کی وفات تک اسی پناہ کے شہر میں رہتا، پر سردار کاہن کے مرنے کے بعد خونی اپنی موروثی جگہ کو لوٹ جائے۔ سو تمہاری سب سکونت گاہوں میں نسل در نسل یہ باتیں فیصلے کے لیے قانون ٹھہریں گی۔ اگر کوئی کسی کو مار ڈالے تو قاتل گواہوں کی شہادت پر قتل کیا جائے، پر ایک گواہ کی شہادت سے کوئی مارا نہ جائے، اور تم اس قاتل سے جو واجب القتل ہو دیت نہ لینا، بلکہ وہ ضرور ہی مارا جائے، اور تم اس سے بھی جو کسی پناہ کے شہر کو بھاگ گیا ہو اس غرض سے دیت نہ لینا کہ وہ سردار کاہن کی موت سے پہلے پھر ملک میں رہنے کو لوٹنے پائے، سو تم اس ملک کو جہاں تم رہو گے ناپاک نہ کرنا، کیونکہ خون ملک کو ناپاک کر دیتا ہے، اور اس ملک کے لیے جس میں خون بہایا جائے سوا قاتل کے خون کے اور کسی چیز کا کفارہ نہیں لیا جا سکتا۔ اور تم اپنی بودوباش کے ملک کو جس کے اندر میں رہوں گا گندا بھی نہ کرنا، کیونکہ میں جو خداوند ہوں سو بنی اسرائیل کے درمیان رہتا ہوں۔